हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज जो वीडियो है, हम लोग जो है जो माउस पेड होते हैं ना, जो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी कोड केविटी बनाना है। ठीक है, कोड केविटी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाओ कैसे मोल विजार्ड में कोड केविटी निकालते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर दिखाए जाते हैं। तो आज जो है थोड़ा उससे आगे है। ठीक है, उससे आगे क्या है, इसमें हम कैम करने वाला है, सीएनसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं बीएमसी में, वो बताने वाला हूँ। कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेंगे इसमें, कैसे कोड तक निकालते हैं पूरा रहेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहना है आपको। ठीक है, क्या क्या इसमें देखना पड़ता है, क्या क्या पैरामीटर लेना साथ लेना रहना है, क्या क्या आपको माइंड में लेके चलना है, तो सारे चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, ये जो है इसकी केविटी है, कोड भी है मेरे पास। इसमें मैं कूलिंग चैनल वगैरह काट के रखा हूँ, इसमें गेटिंग वगैरह भी है, तो गेटिंग में बाद में करूंगा अभी, इसलिए राणा रिवर्स प्रूव है। ठीक है, आप देख पा रहे हो लाइक इस तरीके से रहेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहा है कि मोल विजार्ड की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है ना कि मोल विजार्ड की लाइब्रेरी जो है 2.2 का है, 2.2 जीबी का है, और सबको मैं 2.2 जीबी शेयर करूँ वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ऐसा कर सकता हूँ मैं, जो लोग दिल्ली से है, दिल्ली एनसीआर से है, वो मेरे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है सी आई एम रिजन करके, वहां पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, इसको भी सही है, आप ऐसे मिल सकते हो, मिलके ले सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नया नया है, ठीक है, तो अंत तक जुड़ी है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो जो चीजें है जो समझ नहीं आया पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब मैं जो मैन्युफैक्चरिंग मेरा जो मेनू है, इसमें मैंने कैसे आया, इसकी शॉर्टकट होता है दोस्तों, कंट्रोल ऑल्टर एम दबा के भी आ सकते हो, या अब जाके फाइल में जाके, ठीक है, ऑल एप्लीकेशन में जाके, मैन्युफैक्चरिंग में जाके, यहाँ से भी आ सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे भी आना चाहिए, अगर किसी को अगर इसकी सारी शॉर्टकट चाहिए, जिसको सारी शॉर्टकट पता नहीं है, ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा, कमेंट कीजिए आप, तो इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ, सारे आपके शॉर्टकट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जो आज जो है इसमें ही बात करेंगे, जो अगली वाली मेरा वीडियो होंगे तो इसमें मैं प्रोग्रेसिव डाई के ऊपर बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव डाई के कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बनाने वाला था। अभी एक रिसेंटली मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोग्रेसिव डाई के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में हम काम करेंगे प्रोग्रेसिव डाई के ऊपर, कैसे बनाते हैं, कंप्लीट मोल्ड बनाएंगे, तो अभी के लिए कैम भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे करना ही है, अगर आपके जो टूल लेना है कि ज्योमेट्री करना है, ये जो मैं एक बार में करूंगा ऑलरेडी। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पे जाकर आप डायरेक्ट क्रिएट टूल कर सकते हो, ऑलरेडी बना के सेव कर सकते हो, बाद में आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, या ज्योमेट्री भी आप बना सकते हो। जैसे एक बार ज्योमेट्री बना लेते हो, इसमें जाके आपको मैन्युअली वर्कपीस 1 चाहिए, वर्कपीस 2 चाहिए, आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्योमेट्री आप वर्कपीस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है क्रिएट टूल लूंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है कंटूरिंग लूंगा। कंटूरिंग में सबसे पहला कमांड जो आता है, ठीक है, जो मेरा आता है कैविटी मिल। ठीक है, तो कैविटी मिल में जाऊंगा, यहाँ पे आपको यहाँ से भी आप ले सकते हो जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा फिलहाल के लिए, अगर लेना चाहते हो तो आप वर्कपीस भी ले सकते हो, यहाँ पे जो आप फिनिश चलाना चाहते हो, रफिंग चलाना चाहते हो। ठीक है, तो पहले जो मैं रफिंग चलाऊंगा, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो टूल में, आप यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने काम किया था वो टूल ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैं एनसी बकरी में लेना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगे यहाँ पे आपके ऑलरेडी मैंने काम कर चुका, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको ये दिखाएंगे, और वर्कपीस में जो मैंने यहाँ पे वर्कपीस लिया था दोस्तों, मैंने वर्कपीस में क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हिस्ट्री में। तो मैंने जो मेरा ब्लैंक लिया था ना, ब्लैंक में मैंने एक ब्लॉक बना के मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और थोड़ा थोड़ा ऑफसेट ले लिया, 5-5 mm का ऑफसेट ले लिया, तो आप ऐसे भी ब्लैंक ले सकते हो, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दिया कंट्रोल जे दबा के, आपको बताया। ठीक है, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टूल कैसे लेंगे, ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ टूल कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्कपीस 1 में हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, तो वर्कपीस 1 में हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे राफ मैंने सिलेक्ट कर, राफ है, तो टूल के लिए आप, मैं यहाँ पे नया टूल बनाऊंगा, क्रिएट टूल, तो मिल कंट्रोल में रहेंगे, एन मिल यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ओके कर देता हूँ मैं आपको। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले कितने का लेना है, सपोज मुझे 40 का मुझे टूल लेना है, तो 40 mm की टूल लेना है। लोअर रेडियस जो है मेरा कितने का टूल है, 3 mm का लगाना है, या 5 mm, 6 mm, आपकी मर्जी, आप कितना लगाना। ठीक है, वैसे भी देखना पड़ता है आपकी वर्क के हिसाब से, तो मैं इसको जो है ऑलमोस्ट 5 mm कर देता हूँ। ठीक है,
तो टेपर एंगल जो है रहने देते हैं इसमें, और इसको जो है मैं 120 mm का कर देता हूँ, और इसको मैं 60 mm का कर देता हूँ। जो फ्लूइड है फ्लूइड इसको भी चेंज कर सकते हो आप, सांग वगैरह लगाना है तो यहाँ डिफाइन सांग करके आप इसकी सांग जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो होल्डर चाहिए तो आप होल्डर भी डाल सकते हो। लेट से मैंने इसमें होल्डर मैंने 70 mm का होल्डर डाला हो, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है 20 mm का, और अपर डायमीटर जो है मेरा 70 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आप इसकी होल्डर भी सेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो इसके ऊपर जो ऑलरेडी हो गया है। दूसरी चीज, इसमें आप मेटल कैसे डिसाइड करोगे, मेटल डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोटेड वाला ले रहा हूँ, तो आप ऐसे भी मेटल भी इसका डिसाइड कर सकते हो, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ अभी के लिए। तो मेरा जो अभी है फूल आ गया है, तो मुझे यहाँ पे जाके आपको एक्सिस लेना है, तो मेरा यहाँ पे जेडीएम रहेंगे, स्पेसिफाई फैक्टर करना है तो आप फैक्टर भी डाल सकते हो, तो मेरा जेडीएम एक्सिस रहेगा, जेडीएम मतलब ये वाले में रहेंगे, आप देख पाओ जेडीएम एक्सिस मतलब टॉप वाला रहेगा, आप फैक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है मैंने 5 mm ऊपर का लिया हो, तो आप ऐसे ऑफसेट करके उसकी टॉप प्लेस ले सकते हो आप। तो रफ में आप जाके इसमें रफिंग वगैरह आप देख सकते हो क्या करना है, एंड मिलिंग चलाना है, ठीक है, कलर वगैरह भी चेंज करना है तो कर सकते हो इसमें आप। इसमें मैं सबसे पहले फॉलो पार्ट रखूंगा, ये बताऊंगा मैं आगे कैसा क्या होता है, मैं दूसरे कमांड पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थर्ड जो होता है मेरा टूल फ्लैट ही रहेंगे, इसमें स्केल अप भी यूज करते हैं, बहुत बढ़िया कमांड है ये भी, कॉन्स्टेंट रहेंगे, और इसको मैं 5 mm का ऑलमोस्ट 4 mm कर देता हूँ मैं इसको। कट लेवल वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हो, कट लेवल में आपको क्या क्या चेंज करना है, ठीक है, तो कट लेवल में आपको जो जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके जो है कट लेवल जो आप देख पा रहे हो कितना कितना कार्ड लेवल कितना कितना रहेंगे, ठीक है, आप इस तरीके से देख पाओगे। बीच में जेएचसी कितना रहेंगे, कितना एमएम का जेएचसी रहेंगे, स्टेप मैक्सिमम स्टेप कितना रहेंगे, 4 mm रहेंगे, पार्ट डेप कट कार्ड अब टॉप लेवल से सही, अब ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें, ये बहुत काम का चीज है आपके, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने इसमें कॉन्स्टेंट रहने दो, नॉन कटिंग में मुझे चेंज नहीं करना है, फीड पर वगैरह अभी आप ही आप इसको जो भी चेंज करना आप शायद कर सकते हो। तो उसके बाद मशीन कंट्रोल में, ठीक है, स्टार्ट और एंड में बीच में जो देखना है आप देख सकते हो, एनसी प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको सेट किया ही है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको जनरेट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं जनरेट करूँगा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्फेसेस है तो थोड़ा टाइम लेंगे। तो लाइक इस तरीके से हम जो जैसे आप टूर की विधि निकालते हो, जैसे आप इंसर्ट भी निकालते हो ना, तो सबसे पहले हम उस हिसाब से इसकी जो हम लोग कैविटी मिलिंग वगैरह करना होता है, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी वर्क पीस कैसा है और किस वाला कैसे वर्क पीस में आप काम करना चाहते हो, उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो इसकी कैविटी मिलिंग जो रफ एक वो हो गया है, अब इसको देखते हैं अब ये कैसा निकल रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, रिप्ले में नहीं करना है आपको, 3D डायनेमिक्स में जाके इसको थोड़ा स्पीड कर लो, ठीक है, अब देख पा रहे हो लाइक इस तरीके से मेरा जो है कैविटी मिलिंग होता है, ठीक है। तो पहले मैंने थोड़ा सा रफिंग कर लिया है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको ओके कर दिया, इसको आप ओके कर लो यहाँ से, तो पहला जो है आपकी कैविटी मिल बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों जो जो मेरा कैविटी मिलिंग में कुछ कुछ जो अमाउंट रह गई थी उसको मुझे रेस्ट मिलिंग करना होगा, तो हम जो इसमें रेस्ट मिलिंग करेंगे, दूसरा तरीका जो है हम इसमें रेस्ट मिलिंग कर सकते हो आप, तो मैं इसमें रेस्ट मिलिंग करता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्क पीस लिया था, ठीक है, आपको यहाँ पे नया सिलोगे तो सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नया नहीं लूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्क पीस वन ही लूंगा। तो यहाँ जाओ आप कंट्रोल, तो मुझे करना है रेस्ट मिलिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो जेड प्रोफाइल ये भी हम बाद में करना पड़ेगा, ठीक है, रेस्ट मिलिंग करेंगे हम, वर्क पीस मिल रफ, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा फिनिशिंग में जाऊंगा, ठीक है, वर्क पीस मैंने वर्क पीस ही लूंगा यहाँ पे, टूल वगैरह हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कर दिया, जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे वो चीज आपको मिलते आएंगे, यहाँ पे वर्क पीस ही लूंगा, अलग से मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो यहाँ पे हिस्ट्री बनेंगे, दूसरा कुछ कुछ नहीं है। टूल में जाएंगे तो इसमें भी मैं कंट्रोल में ही वही से टूल लूंगा, लेकिन इसका टूल डायमीटर वगैरह मैं इसमें चेंज करूंगा, ठीक है। जो मेरा दूसरा वाला जो कमांड है, जो मेरा दूसरा वाला वो चीज़ है, तो इसमें जो है हम रेस्ट मिल में डायमीटर में चेंज करूंगा, तो ये हमें 15 का डायमीटर ले रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो लोअर रेडियस है इसको मैं 3 का ले रहा हूँ लोअर रेडियस, और इसको मैं सेम लूंगा, ठीक है, और इसको मैं 60 का कर देता हूँ, ठीक है। मेटल जो रहेगा मेरा कोटेड वाला मैं मेटल लूंगा, ठीक है। तो इसमें जाके आप यहाँ पे ले लिया होल्डर वगैरह आप डाल सकते हो,
तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैसे होल्डर डालते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप होल्डर लेना है, होल्डर ले सकते हो। मैं सेट कर दे यहाँ पे होल्डर, ओके। तो बेसिकली आपको मैंने बता दिया जेड लेवल में क्या क्या देखना पड़ता है। कट लेवल में आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे कैसे कट हो रहा है, यहाँ पे क्या रहेंगे। आप यहाँ पे उसी हिसाब से सेट कर सकते हो। जो मेरा जो कटिंग पैरामीटर है 2 mm के लेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 2 mm का काटेंगे। तो यहाँ पे इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो आप। लेट से मुझे 1 mm में काटना है तो आप 1 mm भी काट सकते हो आपके हिसाब से। कटिंग पैरामीटर मैंने क्या क्या लिखना है, एक्सटेंड एजेस में एक्सटेंड करना है, कॉन्टामिनेटेड कॉर्नर वगैरह देखना है, तो इसमें हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी जो है, ठीक है। फिट वगैरह मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया तो मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसमें भी टाइम लगेंगे। तो देखो दोस्तों, रिस्ट मिलिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग पहले जो हम लोग कैविटी मिलिंग किया, कैविटी मिलिंग में जो जो चीजें आपकी रह जाएंगी कॉर्नर पे, तो इसको हम जो है इसको एलिमिनेट करेंगे, जो जो चीजें रहेंगे। कुछ हद तक कुछ कुछ चीजें रह जाएंगी, फिर उसके लिए हम फिनिशिंग वगैरह टूल लगाएंगे, ठीक है, अलग अलग टूल लगाएंगे। तो इसमें आपकी वही चीजें होगा, पहले जो है आपकी कुछ कुछ चीजें जो रह जाएंगे इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे मेटल से, ठीक है। तो जो जो दोस्त अगर आप डिटेलिंग में करना चाहते हो कैंप वगैरह, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दिल्ली में सेंटर भी है मेरा, तो वहां पे भी आप आ सकते हो, तो ठीक है। मेरा वर्क पीस में जो मेरा वर्कशॉप है वहाँ पे भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। इसको भी सीएनसी में काम करना है, मोल्ड डिजाइन करना है, प्रोग्रेसिव डाई करना है, ठीक है। एडवांस लेवल में काम होते हैं वहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो ये जो है कंप्यूटिंग हो रहा है, वैसे थोड़ा टाइम लगता है इसमें। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है कुछ कुछ रीजन जो बहुत छोटा है, तो ये टूल जो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, तो यहाँ पे आपको ऐसे बता देंगे जो भी होगा। तो इसको मैं फिर वेरीफाई करूंगा, और जो चीज रह जाएंगे उस हम आगे जो है इसको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, बताऊंगा वो भी। तो 3D लाइन में करना है, रिले में करोगे तो इसमें सारे टूल पार्ट दिखाएंगे, देखने में आपको दिक्कत होगा, तो हम इसमें करते हैं पहले। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखो है ना, आप देख पा रहे हो फिनिशिंग वगैरह, उसके ऊपर और मारना पड़ेंगे आपको। हम चेंज करेंगे टूल वगैरह भी, चेंज करेंगे अलग अलग के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलता है, अलग अलग टूल चलता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा फिनिशिंग आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली जब आप रेस्ट मिलिंग करते हो इसमें आप सेमी फिनिश भी डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेमी फिनिश करने का, वो भी आप सेमी फिनिश भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप सेमी फिनिश वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। वो लाइक इस तरीके से आपके होंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जो रह जाएंगे, आगे करेंगे उसको। तो ऑलमोस्ट जो है इसकी एक ओवरऑल जो है एक शेप आ गया है, तो इसको ओके कर दो, और इसको ओके कर देना, कैंसिल कर दोगे तो यह चले जाएंगे यहाँ से, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आपकी देख पा रहे हो आपकी रेस्ट मिलिंग जो है हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसकी रेस्ट मिलिंग हो गया है, अब जो है हम इसकी जो है ऊपर ऊपर की जो है कंटूरिंग करेंगे, जो इसको बोलते हैं नेक्स्ट में फिक्स कंटूर, ठीक है। तो मैं इसमें भी सेम लूंगा, वहीं पे वर्क पीस लूंगा। इसमें आपको फिनिशिंग करना है या रफिंग करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको सेम रहने देते हैं, अभी उसमें चलेंगे नहीं। तो मेरा फिक्स कंट्रोल जो है, फिक्स कंट्रोल यहाँ मिलेंगे आपको। जैसे मैं फिक्स कंट्रोल कर दिया, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाएंगे शेक वगैरह करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें देखो, इसमें आपको मुझे कुछ कुछ चीजें आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टूल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सॉरी, मैं यहाँ पे बाउंड्री का जगह में एरिया मिलिंग लूंगा, क्योंकि मुझे बाउंड्री में कटिंग नहीं करना है मुझे इसमें कंटूरिंग में, क्योंकि बाउंड्री कटिंग करेंगे तो मेरा आउटर नहीं, इसको मैं एरिया मिलिंग करना है, जो एरिया में होगा इस एरिया के अंदर मिलिंग करना है, ठीक है। तो जैसे एरिया मिलिंग पे आप करोगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन पूछते हैं आपको जिगजैग चलाना, ये मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा क्या होता है। पहले जैसे मैं जिगजैग लूंगा तो क्या होगा, बाद में मैं ये सब चेंज करके आपको दिखाता हूँ, अभी के लिए इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टूल जो है हमको टूल नया से लेना है, न्यू टूल लूंगा मैं, फिर से यही लेता हूँ मैं, इसमें चेंज वगैरह करूंगा। यहाँ पे टूल जो है मैं 10 diameter जो मेरा रेडियस रहेगा ऑलमोस्ट 2 का रहूंगा, ये रेडियस रहेगा, ठीक है। टेपर एंगल वगैरह ऐसे हम रहेंगे इसमें 120 60 मेटल रहेंगे, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और इसमें जो एक होल्डर रहेगा, सेम वाली होल्डर में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो होल्डर जो रहेगा इसमें 60 कर दिया मैंने इसको 20 60, ठीक है। तो इसको ओके कर देता हूँ मैं,
तो मेरा जो यहाँ पे टूल सेट हो गया है, ठीक है। जैसे दोस्तों टूल सेट करते हो ना, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, और जो टूल बनाते हो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दिया करो। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे बाद में आपको टूल को ढूंढना पड़ेंगे, टूल आएंगे आपके अलग नाम से आ जाएंगे टूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में उसके टूल का नाम लिख दिया करो, 20 mm डाया एनमिल जो भी आप लिखना चाहते हो उसमें अब उसको मेंशन कर दिया करो, नहीं तो आपको परेशान करेंगे बाद में सिलेक्ट करने में, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे ना टूल पे आपको इसमें लिखा नहीं आएंगे, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश ही चलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एनमिल ले लिया, टूल एक्सेस ZM ही रहेंगे, आपको मैंने बता चुका पहले, ठीक है। कटिंग पैरामीटर वगैरह इसमें आप देखो जैसे भी लाना है, 135 आपको कॉर्नर एंगल वगैरह में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पहले ओके कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेंगे इसमें भी। तो अब मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा, जैसे ये ऑपरेशन हो रहा है तब देखो यहाँ पे साइड से हो रहा है। अब अगर इसको साइड से करोगे तो कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपकी रह जाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपके रह जाएंगे, दिक्कत होगा आपको, है ना। तो इस केस में जैसे मैं अभी क्रॉस आ रहा है तो मैं इसको राउंड घुमाना चाहता हूँ या आउटर घुमाना चाहता हूँ, वो भी आप घुमा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाओगे एरिया मिलिंग पे अंदर जाके, मैं आपको बताया था जिगजैग, अगर इसके जगह में आप जिगजैग के जगह में अगर यहाँ पे आप सिंपल प्रोफाइल लोगे तो ये क्या करेंगे, आउटर आउटर घूमेंगे। बस मैं दिखाता हूँ इसको, थोड़ा आपको जनरेट कर देता हूँ। ये क्या करेंगे, आपकी जो आउटर प्रोफाइल है ना, तो आउटर प्रोफाइल में घूमेंगे ये, ठीक है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आउटर आउटर घूमेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या करेंगे, जो कॉन्टूर है तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाती है। तो इसमें आपको करना ये है, तो इसमें जाके फॉलो पेरीफेरी करना है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेरीफेरी कर लो, या प्रोफाइल भी ले सकते हो, प्रोफाइल लोगे तो ये पूरा प्रोफाइल में होगा, मैं प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अब कभी कभी इसके वजह से भी गलती होगा, देखो कुछ चीजें रह जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। देखो प्रोफाइल, ठीक है, ये प्रोफाइल लोगे तो ओनली प्रोफाइल में काटेंगे, तो हम इसको जो है सिंपली इसको पेरीफेरी कर देता हूँ मैं, ठीक है, पेरीफेरी करके कैलकुलेट कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में क्या क्या चीजें चेंज हुआ, क्या क्या हुआ, देखो आप। अब ये जो कमांड है इसके लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आपको अपना वर्कपीस के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, आपकी वर्कपीस के हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जो जो आपको सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, फिर इसको आप वेरीफाई करके देख लो कैसा आपकी कटिंग हो रहा है। तो इस तरीके से होगा। और दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, कोई अगर दिल्ली से हो, कोई अगर ट्रेनिंग वेनिंग भी सही है वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस लेवल में हम ट्रेनिंग करवाते हैं और आपको जो चीजें मिलेंगे प्रैक्टिकली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की जो कंपनी में काम होता है उस लेवल में आपको ट्रेनिंग ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप में ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैं जॉब वैकेंसी वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है, मार्केट में कौन सी जॉब है, अगर कोई चाहते हो तो उसमें भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको अलग से पैसा देना पड़ेंगे, कोई कंसल्टेंसी नहीं होता है, हफ्ते में महीने में जैसे भी कोई वैकेंसी आता है वहां से आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसको जरूरत है, ठीक है। और जो 8-10 साल एक्सपीरियंस है, मैं उन लोग के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, जो 2-3 साल 4-5 साल एक्सपीरियंस है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो इसको आप ओके कर लो, ठीक है। तो मेरा जो है फिक्स कॉन्टूरिंग जो है मेरा हो गया है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप फिक्स कॉन्टूरिंग वगैरह कर सकते हो। अब लास्ट एक दो कमांड बाकी रह गई है, अब लास्ट कमांड के लिए जाते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट जो मेरा कमांड है तो मैं इसमें गया, इसको मैं सबसे पहले जाके जेड लेवलिंग करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जेड लेवल प्रोफाइल कमांड आता है, ठीक है, यहाँ पे आप फिनिशिंग ही करना है मुझे इसमें, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिंग फिनिश आपको रखना ही है, टूल चेंज करेंगे हम इसमें, नया टूल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैं टूल ले लिया, बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टूल डायमीटर कितना लोगे, मैं 6 का लूंगा। अब ये जो है मैं 1 mm कर देता हूँ रेडियस को, ठीक है। और लेंथ वगैरह आप इसको सेम ही रहने दो, ठीक है। टूल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डायमीटर सही है तो आप डायमीटर डाल लो 60 by, ठीक है, जैसा डायमीटर डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो इसके बाद जो है देखो दोस्तों इसमें देखना ये है, जो मार्च डिस्टेंस है इसको आप कम रखो, क्योंकि ये जो है
तो मान लीजिए एक टूल से दूसरे में कितना डिफरेंस रहेंगे, सिक्स है तो हम इसमें दो भी रख सकते हो आप, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको कम ले रहा हूँ, ठीक है। और जो मिनिमम कट डेप्थ है उसको मैं 0.8 का रख रहा हूँ, और जो मार्च डिस्टेंस है इसको मैं 1 का रख रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले आएंगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जेड लेवल वगैरह आप चेक कर सकते हो, जेड लेवल वगैरह, ठीक है। तो जेड लेवल मेरा ठीक है, क्वालिटी मैंने सेट करके रखा था ये, और इसमें आप देख सकते हो क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, क्या क्या आपको फेव करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको मैं जनरेट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेंगे इसमें। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है एनएक्स, आप मास्टर के पहले जो डेल कैम में करता था मैं, फिर एनएक्स कैम, फिर मास्टर कैम में करता हूँ आजकल, मास्टर कैम में बहुत चीजें आ जाते हैं, एनएक्स कैम में बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें लास्ट तक, ठीक है। तो अभी जो है आपकी वो हो गया है, कैलकुलेट हो रहा है, अब प्लस में हम देखते हैं इसकी फिनिशिंग कैसे आएंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है, एरिया एडजस्ट, अच्छा ओके ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे आ रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे। तो इस वीडियो में हम जो आपके कॉन्सेप्ट थे कैसे कोर के बेटे को हम, ठीक है, मिलिंग विलिंग करते हैं कैसे करना होता है, तो आप इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रोग्रेसिव डाई के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, अब देखो जो भी आपके एरिया था सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप देख पाओगे, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ओवरऑल जो है आपकी कोर की मीटिंग निकल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलिंग पीएमसी कर सकते हो, आप देखो आधी चीजें आपको ये रह गई है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए और मेहनत, बाकी जो है आपकी हो गई। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसको अगर एक साथ चलाना चाहते हो तो आप चला भी सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक साथ चला के भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पर जनरेट करना आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सबको एक साथ चलाना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको चला सकते हो, टाइम लगेंगे बहुत, ठीक है। तो इसको जो है मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक मिनट पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो रास्ता वो हो गया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो सारे कुछ आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से कर सकते हो, सिमुलेट वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से सब कुछ, ठीक है। कोई चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पोस्ट प्रोसेसर भी निकाल सकते हो किसी प्रोग्राम की, ठीक है। तो वो भी आपकी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कुछ चेक वगैरह चेक करना चाहते हो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना भूल ही गया था, इसमें मेटल कैसे डिफाइन करते हो। जैसे आप कटिंग करते हो ना, तो आप कैसे मेटल वगैरह आप डिफाइन करोगे, तो आपको ज्योमेट्री में जाना है सिंपली। तो यहाँ पे ज्योमेट्री ले लो, ठीक है। जैसे आप ज्योमेट्री लोगे, यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह लेके जैसे इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको अलग से मेटल लेने का ऑप्शन आ जाता है। तो उस टाइम में आप स्टार्टिंग में मेटल ले सकते हो। तो बेसिकली कटिंग वगैरह में हम जो है P20, EN31 ये सब जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल था इसमें, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम P20 टूल स्टिल यूज करते हैं, तो ये सब आपके हार्डनेस स्टैंडर्ड आता है, कितना हार्डनेस वगैरह होता है, ठीक है। तो हम इसमें स्टैंडर्ड रखेंगे, आप ओके कर देना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको डाउट क्लियर हो गया है। अब इसकी अगर आप वो भी निकालना चाहते हो, वो भी निकाल सकते हो, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी अगर वीडियो बनाना है, वो भी वीडियो बना दूंगा मैं आपको, इसकी कोर दिखाता हूँ एक बार आप। तो इसका आपको मैं अगर कोर दिखाऊँ तो आपका ये रहा कोर इसकी। तो अगर चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपकी वो लगाए, ठीक है, इजेक्टर पिन वगैरह लगाए, तो आप देख सकते हो कोर के बीच निकालने के लिए। अगर पीस भी सही है तो पीस ले लेना दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, और ठीक है, न्यू ईयर की आपके बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फ्रेंड।